Welcome back again. Let us start with few problems of arithmetic progression. ऐसा है मैथमेटिक्स में जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या चाहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल थ्री के साथ हम स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल थ्री एनसीईआरटी बुक ये कहना चाहता है कि फाइंड द टेंथ टर्म। कौन सा टर्म निकालना है पता कर लो, दसवां टर्म निकालना है ऑफ द एपी। फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। आपको पता है टेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 9d। खत्म। ए का वैल्यू कितना है बताओ बरा, 2 प्लस 9 इन टू। डी का वैल्यू कितना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2। पर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अच्छे से, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा बताना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा साइड में, इससे पहले लिखना पड़ेगा कहीं कि d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। ए टू का वैल्यू कितना है रे बाबा, 7, माइनस ए वन का वैल्यू 2, 5। और अब आप d का वैल्यू 5 यहां लिख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको बताना पड़ेगा कि a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू d 5 है और a का वैल्यू 2 है। और फिर हमने a 10 के फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट की और हमने देखा कि हमारा a 10 कितना आ रहा है, 47। दैट्स इट। बताइए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस, मैं समझ सकता हूँ। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा, इससे वाहियात मजाक मैं नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव ऑन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अब आपको बहुत बार एलिमेंट गिवन रहेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से नंबर का एलिमेंट है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ए का वैल्यू आप समझ सकते हैं पहला टर्म 21 है। अच्छा, डी का वैल्यू कितना है, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, दैट इज -3। ठीक है, और अब आपको क्या गिवन है, आपको वो बोल रहा है कि इस सीक्वेंस में -81 आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको ये फाइंड करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू -81 और आपको ये एन निकालना है कि कौन से नंबर का एलिमेंट है -81। ठीक है, अगर आपको बोला होता कि सातवां टर्म निकाल लो तो आप निकाल लेते ए प्लस 6d करके। अगर आपको बोला होता दसवां टर्म निकाल लो तो आप निकाल लेते ए प्लस 9d करके। पर ये आपको टर्म निकालने को नहीं बोल रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि हम आपको टर्म दिए हैं -81, हमको ये बताओ कि -81 इस सीक्वेंस में आता है कि नहीं आता है। तो हमको ए एन गिवन है -81 और अब हमको ये पता करना है कि भाई साहब ये कौन से नंबर का एलिमेंट इसका है। तो आपको ए एन का फॉर्मूला पता है क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -81। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है, 21 प्लस एन माइनस वन, एन का ही वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कितना है, -3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू -81। अब बहुत बार स्टूडेंट्स ये वाले स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 21 प्लस, ब्रैकेट में लिखो इसको, -3 इंटू एन -3n -3 इंटू वन प्लस 3 इज इक्वल टू -81। अब फिर से, अब ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन रिवर्स नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसे ध्यान में रखते हुए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो जाएगा, बताइए 21 प्लस 3 कितना हो जाता है, 24 माइनस 3 एन इज इक्वल टू -81।
और एक काम करो माइनस थ्री एन को इधर लेके चले जाओ, तो ये और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस एटी वन हो जाएगा प्लस एटी वन इज इक्वल्स टू थ्री एन, और जगह एटी फाइव 35 इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a 35 है ना, n का वैल्यू कितना आ गया 35 is equals to minus 81। मतलब आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते 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 जाएंगे तो आपको जो 35वें नंबर का एलिमेंट मिलेगा, जो 35th नंबर का एलिमेंट मिलेगा, वो मिलेगा माइनस 81। तो अभी आपने ये पता कर लिया कि माइनस 81 कौन से नंबर का एलिमेंट है। सो गाइज नाउ आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट माइनस 81, नाउ इट इज टाइम to do the same process for zero। अब हम चेक करेंगे कि zero इस sequence का element है कि नहीं है, तो same problem होगा, ठीक है। बस हम यहाँ क्या करेंगे, zero, an का formula आपको पता है, a plus n minus 1 d is equal to zero, a का value 21 बराबर है, n minus 1 d का value minus 3 बराबर है zero, zero, zero। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हम हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा और हम यहाँ लिखेंगे जीरो, ठीक है। तो गाइज अब हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3n इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, मिलेगा क्या n का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 8। तो हम क्या कहेंगे, therefore a8 is equal to 0, मतलब 0 भी इस सीक्वेंस का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, आठवां एलिमेंट। तो बस ये तरीके को अपनाइए और एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करिए, बहुत आसान है गाइस, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप लोगों को लॉजिक अप्लाई करने का है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। सो गाइज दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5, ये और आप लोगों के मस्तिष्क को क्लियर कर देगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक में। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, आपको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है हुज थर्ड टर्म इज 5। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या कि थर्ड टर्म इज 5, ऐसा लिख सकता हूं, है ना, और क्या लिख सकता हूं, सेवेंथ टर्म इज 9। तो मेरे को यहां से दो इक्वेशन मिले, देखो मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैंने थर्ड टर्म को 5 लिखा, सेवेंथ टर्म को 9 लिखा। ए थ्री का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसका फॉर्मूला है ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इसका ये आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और आपको पहले बताना पड़ेगा कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एल्गोरिथमिक प्रोग्रेशन, बस चलेगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको चैप्टर नंबर 3 इंप्लीमेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपको a का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, है ना, ये आप लोगों को अभी समझना है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है अब a और d के टर्म्स में हमारे इक्वेशन है, x और y के टर्म्स में हुआ करते थे, पर अब a और d के टर्म्स में, और a का कोएफिशिएंट और a का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो मेरे को कोई खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहले इक्वेशन को बराबर लिख देता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, और इसको लिख देता हूँ a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, और दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, a माइनस a कैंसल, 2d माइनस 6d माइनस 4d,
एंड 5 माइनस 9 माइनस 4, सो d का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 4, सो कॉमन डिफरेंस कितना मिला 1, और कॉमन डिफरेंस आपको 1 मिला, तो आप ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर कि पुट d इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, कोई बात नहीं इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब आपको यहां से समझ में आया कि a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, सो a इज इक्वल्स टू 3, तो आपको a का वैल्यू 3 मिल गया, d का वैल्यू 1 मिल गया, तो अब आप रिक्वायर्ड a भी लिख सकते हैं। Therefore, required arithmetic progression is पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट, ये हुआ आपका arithmetic progression required, जो आपको चाहिए। So guys, this is how arithmetic progression needs to be solved. In the next episode, we will be back with more such examples. Till then, stay safe, take care, have a nice day.